क्वेश्चन, आप दोनों अंदर रहकर आए हो, कौन लगता है आपको फेक है और कौन रियल लगता है? मेरे को टीना फेक लगी, शालिनी को बहुत भगा थी पीछे, क्योंकि रियल में भी मैं उसके साथ था घर में हम लोग। टीना पर सच में बहुत अच्छी मेरी दोस्त भी है, पर मुझे ऐसा लगा कहीं तो, मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि फिजिकल हम लोग वहाँ पे थे सामने, तो मुझे ऐसा लगा कहीं तो कि शालिनी भाई ने नहीं भागने मांगता उसके पीछे। अभी जस्ट आए हम लोग। मेरा ड्रीम था 5 सालों से, सबसे पहले तो मैं बिग बॉस को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि हमें इनवाइट किया था बिग बॉस ने वहाँ पर, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इसलिए मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था बिग बॉस में जाने का। हमने एक चीज देखा, स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे थे क्या वो का? नहीं, मुझे लगा था कि वो स्क्रिप्टेड है, पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरा रियल शो है, पूरा रियलिटी शो है। जब मैं अंदर गया ना तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ होगा स्क्रिप्टेड, तो ऐसे कुछ भी नहीं था। जैसे गए उन लोग ने पट्टी बांधा था, हम लोग जैसे एंटर किए उसके बाद जो मुझे लगा ना, बहुत डर गया था अंदर जाने, लाइफ में पहले टाइम डरा रहेगा मैं अंदर बिग बॉस के घर में। मैं अर्चना गौतमी को सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोज दोस्त है, और शालिन भाई को भी करना चाहता हूँ, शिव को करना चाहते हो, और प्रियंका, क्योंकि मेरे वाइफ को प्रियंका बहुत पसंद है। एमसी एक्चुअली बहुत मेरा छोटा भाई है, पर वो अंदर नहीं रहना चाहता, आपने देखा होगा उसके एपिसोड्स में वो बहुत रोता है अंदर, लेकिन वो अंदर रहेगा तो विन होने वाला है। वो हो सकता है अगर अंदर, वो अगर अंदर होगा रहेगा, अंदर रहेगा तो विन ही होगा, रहेगा ही वो अंदर। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं अंदर, क्योंकि वो रैपर से पहले मेरा दोस्त है, हम दोनों भी पुणे से हैं आप सबको पता है, तो वो बहुत डर गया एक्चुअली अंदर, उसको मम्मी पापा की बहुत याद आ रही। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए तो आपने देखा होगा कि वो इतने दिन का पूरा जो नाराजगी थी उसके फेस पर, हम लोग जाने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ था, और हम लोग जैसे बाहर भी निकल रहे थे तो रात में एक दिन पहले वो मुझे बोल रहा था मेरे को बहुत रोना आ रहा है, आप लोग जाएंगे तो मैं अंदर रह नहीं पाऊँगा, तो प्लीज़ आप कुछ भी करिए, और वो तो सब बिग बॉस के हाथ में, रखना नहीं रखना। क्या अभी भाई ने तो गौतमी को सपोर्ट किया है, लेकिन मेरा सपोर्ट स्टैन को है मेरा सपोर्ट, और जो वो ठंडा रह रहा है वो गेम है, क्योंकि अभी क्या है अंदर जो माहौल है उसको वो कैच कर रहा है, क्योंकि वो अभी ठंडा रहेगा, बाद में जो जो उसके साथी है वो जब नॉमिनेट हो गए तो फिर वो ही बचेगा, और आपको तो पता है बिग बॉस वोट के ऊपर जीतते ना ही अंदर कुछ गेम, ये उसके ऊपर। सलमान जी से कुछ आपकी बातचीत हुई क्या?